आफ्टरनून गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी ईपीएफओ में एसएसए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो है रिज़ल्ट को लेकर ये जो है नोटिस जो है आउट हुआ था आपका एडमिट कार्ड में का आया था, जिसमें जो है 18 तारीख को जो है आपके एडमिट कार्ड जो है आउट हुए थे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो 21, 22 और 23 अगस्त में था, तो इसका जो है एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जो है आउट हो गया था। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन आउट होने के बाद अब जो है कंटिन्यू स्टूडेंट जो है वेट कर रहे हैं कि हमारा जो है वो जो है रिज़ल्ट जो है कब आएगा। ठीक है, तो क्या आज जो है रिज़ल्ट जारी होगा उसकी ही अपडेट देकर आई। कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अब जो है आप स्किल टेस्ट की जो है तैयारी कर दें, कौन से स्टूडेंट जो है स्किल टेस्ट के लिए जो है प्रिपेयर रहें वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं ट्रिपल सी और ओ लेवल के कैंडिडेटों को जो है टीच करती हूँ। मैंने ट्रिपल सी भी किया हुआ है, ओ लेवल भी किया हुआ है, टैली भी किया हुआ है और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट जॉब की भी अपडेट जो है दे देती हूँ। चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपके इसके रिज़ल्ट को लेकर। तो रिज़ल्ट में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, स्किल टेस्ट वालों का पहले मैं जो है प्रोसीजर जो है बता देती हूँ, आपको पता हो या ना हो मेरा फ़र्ज बनता है फिर भी बताना। देखिए, इसमें जो आपकी इंग्लिश और हिंदी में जो है आपको टाइपिंग करनी होगी, जिसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट जो होगी वो आपको करनी होगी इंग्लिश में, और वहीं जो 30 वर्ड पर मिनट होगी वो आपको करनी होगी हिंदी में। ये स्किल टेस्ट वालों का जो है प्रोसीजर जो है रहने वाला है, पैटर्न रहने वाला है। अब मैं बात कर लेती हूँ कौन से कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट के लिए जा पाएंगे। तो दोस्तों, आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था जिसमें जो है आपके पूरा पेपर जो है ये जिसमें आपकी जो जनरल एप्टीट्यूड आई है 30 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और आपकी जनरल अवेयरनेस आई है 30 क्वेश्चंस आए हैं, क्वांटिटी एबिलिटी आई है 30 क्वेश्चन आए, जनरल इंग्लिश आई है 30 क्वेश्चंस आए हैं, और आपकी जो है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल पेपर जो आपका हुआ है पूरा पेपर 150 क्वेश्चंस में आपका 600 मार्क्स का पेपर हुआ है। ठीक है, तो इस पेपर में जो पूरा पेपर जो रहेगा 600 मार्क्स का है, तो कट ऑफ जो है इसकी ही एक्सपेक्टेड रहेगी। अब किसके कितने सेफ स्कोर बन रहे हैं तो वो जो है अब CBT 2 की जो है यानी कि स्किल टेस्ट की तैयारी में जो है जुट सकता है। कितने नंबर होने चाहिए वो मैं अब देखो आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं अगर आपके नंबर जो है देखिए कट ऑफ तो जाएगी जो जनरल वालों की है ना वो 295 के करीब जो है कट ऑफ जाएगी, और आपके नंबर अगर 290 या 280 बन रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में हैं। जनरल कैटेगरी वाले नॉर्मलाइजेशन के भी नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो 280 वाले जनरल कैटेगरी वाले अपने आप को सेफ जोन में मान लेना, कट ऑफ जनरल की इतनी जाएगी। बात करूं OBC या EWS की, तो देखिए OBC और EWS की कैटेगरी लगभग जो है जो कट ऑफ होती है वो जो है लगभग सेम ही जाती है, कोई खास डिफरेंट नहीं रहता है। तो OBC वालों मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर जो है 260 या 65 बन रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में हो, क्योंकि कट ऑफ जो लगभग रहेगी वो आपकी 275 के लगभग जो है रहने वाली है। SC वालों की अगर मैं बात करूं, SC वालों की, तो SC वालों के अगर नंबर बन रहे हैं आपके 250 तो वो भी रहेंगे सेफ में, क्योंकि इसकी कट ऑफ रहेगी 260 SC वालों की। बात अगर ST वालों की करूं तो ST वाले अगर 240 हैं सेफ में हैं वो, क्योंकि इसकी कट ऑफ रहेगी लगभग जो है आपकी 245 लगभग ऐसी रहेगी, 245 से 50। तो ये जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, और कितने जो है सेफ स्कोर आपका रहना चाहिए वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। चलिए अब मैं रिज़ल्ट की बात कर लेती हूँ, तो क्या आज आपका रिज़ल्ट जो है आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, लास्ट डेट थी 23 और 22 अगस्त, तो रिज़ल्ट तो आज नहीं आएगा। रिज़ल्ट आएगा आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी कि या तो 30 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आएगा या आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आएगा, इससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। कट ऑफ जो रहेगी वो मैंने बता ही दिया, अगर इतने आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप जो है स्किल टेस्ट की तैयारी में जो है जुट सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो है ESO और SSO का भी एग्ज़ाम जो है दिया था। ठीक है भाई, आपका
यूपी ट्रिपल एससी में दिया था इनके एग्ज़ाम। तो अगर आपको पूछने हों तो पूछ लेना, ईएसआईसी के भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, और कोई भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।